What if I tell you, आप अपने प्यार के लिए ये घर पे बना सकते हैं. Look at every beautiful candle that you look around. और मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंपली कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैं वर्कशॉप में आ चुकी हूँ एंड मेरे साथ है presenting Ashka, the lady who does this beautiful work. Thank you so much, Archana. You're more than welcome. Hi guys, thank you. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ये कहीं पर भी लेने नहीं जाना पड़ेगा, आप ये घर पे बना सकते हैं, will you believe me? Right? और इसके अलावा we are also going to make एक दो wax candle हो गया, paraffin wax जिसको बोलते हैं, और दूसरे जो हैं वो gel candles हैं. This is beautiful. I want to make this. So मैं ये बनाने वाली हूँ खुद अपने हाथों से. Do you want to make this for your loved one? It's very very simple. ऐसा बोल तो दिया मैंने, अब देखते कितना simple है. Right? So Ashka, let's start cooking. Yes. So how many years it's been for you? कितने साल हो गए आपको? मुझे 7 साल हो गए. 7 साल हो गए candles बनाते हुए. I'm safe hands. इसमें already जो है आप देख रहे हैं, ये gel wax है. Gel wax पड़ा हुआ है, इसको गर्म करना है. पतीली जो है वो मम्मी से आप बोल सकते हैं, मम्मी ये दो पतीली भूल जाओ, इसमें सिर्फ और सिर्फ घर में वैक्स गर्म होने वाला है, ठीक है. उसके बाद इसमें फूड नहीं पक सकता. फूड नहीं पक सकता, बिल्कुल. और ये जो जेल वैक्स है उससे पैराफिन वैक्स ज्यादा अच्छा होता है. यस, बट हम इससे जो भी बनाते हैं वो बहुत खूबसूरत दिखता है. तो आपको जेल वैक्स के पीछे बिल्कुल ही पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. डीजे वॉल्यूम को थोड़ा कम कीजिए ताकि हमारी बातें लोगों तक पहुंच पाए. और जैसे आप देख रहे हैं ये एब्सोल्युटली व्हाइट लिक्विड बनने वाला है. दिस वैक्स इज गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है. और इसमें हम ये कलर डालने वाले हैं. हाँ, इसमें हम कलर डालेंगे. माय गेस इज राइट. ओके, सो देखिए वैसे मैं ही बना रही हूँ, सारा का सारा क्रेडिट जो है वो आशिका को नहीं जाएगा, बिकॉज आई एम द स्टूडेंट टुडे, ठीक है. सबसे पहले हमने जो यूज किया है वो है जेल वैक्स. और देखिए जेल वैक्स कंप्लीटली पिघल चुका है. आशिका मुझे यही चीज बनानी है, तो सबसे पहले मैं अपना अगर दिमाग लगाऊं इसके अंदर, हम क्या कलर ऐड कर सकते हैं? या कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है. और थोड़ा सा चुटकी भर कलर ऐड कर दूं मैं? हाँ. अपने हाथों से लेके रेड कलर मैंने इसमें डाला है. और देखिए, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल. ये कितना सुंदर लग रहा है. मुझे थोड़ा सा आइडिया आने लगा है कि ये कैसे बनता है. हाथ पोंछ लेती हूं, मैंने अपने हाथ ही खराब कर लिए. ये होता है एक्सपीरियंस, ये होता है, ठीक है. सो इसमें क्या हम पर्ल्स डाल सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही बनाने जा रहे हैं. हैव अ लुक एट दिस. आर यू एंजॉयिंग? अपनी कमेंट्स डालते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना मजा आया. देखिए इस ग्लास को मैं नीचे से पर्ल्स से भर रही हूँ. ये है असली वर्कशॉप, लाइव हो रही है, नो एडिटिंग. आप जो यहाँ पर देख रहे हैं एग्जैक्टली वही आप घर पे बना सकते हैं. इतने पर्ल्स डाले, दैट्स मोर देन एनफ. या थोड़े और डाल, थोड़े थोड़े और डाल दीजिए, सारे डाल दीजिए. ओके, सारे डाल देते हैं. प्यार में नो कंजूसी, ठीक है. सब खर्चा करने की जरूरत नहीं है. ओके, अब ये हमारा वैक्स हम उसके अंदर पोर करेंगे. और वैक्स जो है वो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अगर पोर करेंगे तो ये अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा, राइट? यस. हे, सो प्लास्टिक नहीं यूज कीजिएगा आप, इसमें जो ग्लास ग्लास होते हैं वो यूज कीजिएगा, राइट? ये तो ऑलरेडी बन चुका है आपका. नाउ व्हाट वी डू? Now you have to put a wick. Wick डालेंगे. हाँ, wick डालेंगे. Wick डालना ये भी एक कला है. देखिए कुछ करना नहीं है, अपने आप ये स्टैंड हो जाएगा, तो इसमें कोई कला नहीं है. मैं ऐसे फेंक रही थी, ठीक है. और हम ये भी बनाना चाहते हैं आजकल. I really want to make this also. Sure. ठीक है, इसके लिए हम लेंगे पैराफिन वैक्स. पैराफिन वैक्स लेंगे. ओ, पैराफिन वैक्स. ये पैराफिन वैक्स है. हमने जिसको मेल्ट किया था वो था जेल वैक्स, ठीक है. और हमने वही जेल वैक्स को इस थाली के अंदर डाला था. और देखिए ये सब कुछ जो है वो मोल्ड काम करता है. आपको कोई ड्राइंग नहीं बनाना है, अपने हाथों से नहीं काटना है, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ. ये जो मोल्ड है ये हो गया, ठीक है. और फिर उसको थोड़ा सा निकालने की आप कोशिश कीजिएगा. मैं उंगली से निकालने की कोशिश करूँ, निकल जाएगा? हाँ, निकल जाएगा. ओके, धोखेबाजी नहीं हुई मेरे साथ, निकला तो सही है, दिल निकल चुका है. अरे वाह, क्या बात है. सो देखिए इस हिसाब से हाथ जो है वो हम बिल्कुल काट सकते हैं. क्या मैं इसमें फिक्स कर दूँ? हाँ, अभी आप उसको थोड़ा सा संभालना, क्योंकि वो साइड में से सेटल डाउन. यस, थोड़ा सा सेटल डाउन हो. और देखिए इट्स सो सिंपल. इस ग्लास के ऊपर आपको ये हाथ को चिपका देना है. इट्स लुकिंग सो गॉर्जियस. कितना सुंदर दिख रहा है. और थोड़ा अनइवन लगाइएगा, बहुत इवन करने जाएंगे तो बोरिंग लगेगा कि हर जगह पे हार्ट एक ही जगह पे चिपके हुए हैं. थोड़ा अनइवन सा कीजिए उसको. इज दैट गुड? यस. आज का मैं कुछ तोड़ फोड़ रही हूँ यहाँ पे. अरे This has become almost like मैं fix कर दूँगी. But it's wonderful how you're doing this. So you've become a business woman, huh? Yes.
बहुत अच्छा है ये, आप घर से ही काम कर सकते हो और बहुत सी क्रिएटिविटी आप वैक्स के साथ कर सकते हो। राइट, ये विक जो है वो बैठ गई है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब इसको सेटल होने देना पड़ेगा। हाँ। और उसके साथ साथ हम एक हार्ट मोल्ड में भी पैराफिन वैक्स भी डालने वाले हैं, और जिससे पहले इसको हम ग्लेज कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑयल लीजिए, कोई भी ऑयल चलेगा? हाँ, कोई भी ऑयल चलेगा। ऑयल नहीं, नहीं कोई भी ऑयल चलेगा। ओके ठीक है, और पैराफिन वैक्स जो है उसको भी हम रेडी करेंगे, उसको रेड कलर का कर देना है हमें, तो उसमें भी हम रेड कलर डालेंगे, लेकिन इसमें आई थिंक कलर की मात्रा ज्यादा होगी। राइट, हाँ, हाँ, जिस हम जेल वैक्स में डाला था उससे थोड़ा ज्यादा डालेंगे, तो ब्लड रेड कलर का दिल बनेगा, ऐसा लगेगा कि आपने अपना ही दिल निकाल के अपने लव्ड वन को दे दिया है। ठीक है, और देखिए अगर कोई नहीं है तो ठीक है यार, कैंडल लाइट डिनर अपने पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं। अब हम इसमें हमारा ये वैक्स मेल्ट हो चुका है। राइट, ये पैराफिन वैक्स मेल्ट हो चुका है और हम इसको स्पून से उठाते हैं, इस बार गलती ना करते हुए मैं थोड़ा सा ज्यादा कलर डालना पसंद करूंगी इसमें, ताकि ब्लड रेड कलर का हमारा दिल बनेगा। और जिनके पास कलर नहीं है वो क्या करें आज का? हाँ, जिनके पास ये पाउडर कलर नहीं है, दे कैन यूज क्रेयॉन कलर्स। यहाँ पे है हमारे पास क्रेयॉन, बच्चों के टूटे हुए जो क्रेयॉन कलर्स है उसको आप इसमें यूज कर सकते हो। यस यस, नॉट बैड, क्योंकि क्रेयॉन भी वैक्स में से ही बनते हैं जी, तो वो बिल्कुल आसानी से इसमें घुल जाते हैं। ओके, तो ये तो लाल हो चुका है, यू कैन लाइक थोड़ा और कलर बढ़ाने की जरूरत है? थोड़ा और डालना तो हम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, पूरा डाल दें? आधा डालोगे तो भी चलेगा। ओके ठीक है, थोड़ा और डाल दिया है, क्या रंग पकड़ा है, लुक एट दैट, ये मोल्ड रेडी हो चुका है, एंड लुक एट दिस, इस पर आप भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। आई वुड लाइक टू शो यू सम अदर ब्यूटीफुल एग्जांपल, ये मेरा दिल आ गया इस दिल में, बहुत सुंदर बहुत खूबसूरत हम ये बना सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। लुक एट दिस, ये सारी चीजें रेडीमेड मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल क्ले से वर्क करते हैं, ये फ्लावर्स जो है वो क्ले से बने हुए हैं, बीच में ग्लिटर, ये कैसे ऐड किया हमने? फेविकॉल लगा के उसके ऊपर ग्लिटर डाला। क्या दिमाग लगाया, छोटी छोटी चीजें और क्या से क्या बना सकते हैं, जादू कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और आज का सब कुछ कर रही है। नहीं, मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ, बाकी अभी आप आगे फॉर्म कर लीजिए। बिल्कुल, ये रेडी हो चुका है, इसमें थोड़े से ये जो इसके ऊपर रख दो, ये ऑफ हो चुका है तो इसके ऊपर हमने रख दिया है, इसके थोड़े से मुझे ना पार्टिकल्स नीचे दिख रहे हैं, वो कलर्स के हैं। हाँ ओके, ये छोटे बच्चे थे ना उस समय पे, लड़कियां आती थी और किस करके चले जाती थी, तो लड़की कहती थी बोलती थी तुम्हारे ना सॉरी हम सब, तुम कितने क्यूट हो ना, मैं अपने आपको रोक नहीं पाई, लिपस्टिक का दाग लग गया है, तो बच्चा दाग अच्छे हैं। एक वो समय हुआ करता था, एक आज का समय है। चलो कोई बात नहीं, मिरर में देखिए अपने आप को एक वहां पे किस प्लांट कर सकते हैं, वो हमेशा भी नहीं रहेगा निशान। राइट, और देखिए ये मोल्ड के अंदर हमने पैराफिन वैक्स जो है उसको सेट कर दिया है, सेट कर दिया है, इसमें विक डालने की जरूरत है ना, इसमें ये जो विक है उसको हम डालेंगे। राइट, और उसको साइड से जैसे कि आपने बताया था बिल्कुल ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। हाँ, और फिर ऐसे सेट कर देते हैं। yes, ठीक है, yes, तो जब ये बाहर निकलेगा तब इसकी विक ऑलरेडी होगी, और ये देखिए इट्स रेडी ऑल सेट। व्हाइट जेल वैक्स को थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं और इस ग्लास को पूरी तरह से, इस जाम को पूरी तरह से भर देंगे, क्योंकि देखिए ये सेट हो गया है। अब ये रेड कलर का जो वैक्स है वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, जम चुका है, ग्लास के आजू बाजू आपने देखा हार्ट लग चुका है, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ग्लिटर डाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे ग्लिटर भी है, ठीक है, मैं भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रही हूँ, अभी डाल दो। हाँ हाँ, डाले डाले, देखिए इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जब ये ऊपर से वाइट कलर का वैक्स पोर करेंगे तो ये ग्लिटर जो है और शानदार चमक के आएगा। अरे इसके ऊपर भी जा रहा है, इसके ऊपर भी डाल दूँ? हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गलती से मिस्टेक करनी चाहिए ऐसी। Wow. और अब हम इसमें पोर करने जा रहे हैं द क्लियर वैक्स, इसको धीरे से भरने की जरूरत है, आई होप गड़बड़ ना हो जाए, पता है कि मेरा हाथ लगा है, थोड़ा सा कम पड़ गया, हार्ट जो है वो उभर कर आएंगे। वाह शानदार, देखिए ये जो है ना, This is what we have created. 19-20 थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा अलग हो जाए। उसको सेट होने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है बस। Wow, wonderful.
और ये जो है एक बार सेट हो जाए कितनी देर लगेगी इसको सेट होने में? 2 घंटे लगेंगे। पैराफिन वैक्स को सेट होने में 2 घंटे लगेंगे, इसीलिए ज्यादा अच्छा क्या है कि हम लोग जेल वैक्स ले आए और फटाफट से आज ही बना दें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो फिर एक बार करने के लिए हमारे पास टाइम तो होना चाहिए ना। तो इतनी सारी चीजें हैं, दिस इज व्हाट यू कैन मेक। और ये देखिए कैलीग्राफी, अगर आपके किसी दोस्त को आती है तो आप इस तरह से इस पे लिख भी सकते हैं। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ वुड, उसको कलर कीजिए और इस तरह से बनाइए, अपने लव्ड वन को दीजिए, वो खुश हो जाएगी। या किसी ने हाँ नहीं बोली तो हाँ बोल देगी आपकी क्रिएटिविटी को देखकर, है ना। पर इससे बेहतरीन क्या हो सकता है, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ये घर से अभी बिजनेस कर रही है, लाखों कमा भी रही है, राइट? यस। सो दिवाली के टाइम पे या वैलेंटाइन के टाइम पे आप बहुत ज्यादा बिजी हो जाते होंगे। यस, सबसे ज्यादा बिजी हम दिवाली के टाइम पे रहते हैं, right. और कैंडल के एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। हाँ, तो हमारे वहाँ तो ऐसा होता था जब लाइट जाती थी तो उस टाइम पे कैंडल की सोचते थे, अब देखो कैंडल इज बिकम एवरी घर हैज कैंडल एट डिनर हैपनिंग, है ना। यस, सुपर। सो आई एम टेकिंग होम व्हाट आई मेड, इजंट इट ब्यूटीफुल? ट्राई दिस। हैप्पी वैलेंटाइन वीक टू यू, हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट। अगर आप बनाए तो जरूर से मुझे टैग कीजिएगा। Thank you.